शराब के नशे में पोता इस कदर हैवान बना कि उसने अपनी ही 90 साल की बुजुर्ग दादी की जान ले ली। इस वारदात को दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में अंजाम दिया गया, जहां के इंद्र एनक्लेव में रहने वाली बुजुर्ग रहीसा बेगम को मार डाला गया। वारदात 12 फरवरी की रात अंजाम दी गई। मैं भी रात को 8:30 बजे ड्रिंक करा हुआ था, वो भी पिए हुए था। उसके बाद उनने मुझे मारा, अब भगवान जाने किस बात पर मारा ये मुझे याद नहीं, मेरे को बहुत मारा उन्होंने। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। ये कैसे पता चला कि आपकी माता जी का भी उसने हत्या कर दी है, कैसे पता? 7:30 बजे जब मेरी आँख खुली सुबह, तो मैंने अपनी माँ को झंझोड़ा तो वो ठंडी हुई पड़ी थी बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने सब में छोटे लौंडे को बोला, मैंने कहा अलका को बुला के ला मेरी बहन को, तो बुला के लाया मेरी बहन को। तो मेरी बहन आगे उनने खूब झंझोड़ा, बोलो उन्होंने पीटने लग गई। इतने में वो बड़ा वाला लड़का भी उठ गया जो जेल में बंद है, वो भी दादी 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 करके वहाँ रोने पीटने लग गया। हाँ अच्छा जी, फिर उसने अपनी छोटी बहन को मुंडका में फोन करा, मेरी छोटी लड़की मुंडका में रहती है। फिर मुंडका से मेरी छोटी बेटी और दामाद दोनों आए। 30 साल का शारुख उर्फ वफात नशे का आदि था। वो अक्सर दादी को मार डालने की बातें किया करता था। बताते हैं कि वारदात वाली शाम अपने पिता के साथ शराब के नशे में वो दादी के पास पहुंचा और हत्याकांड को अंजाम दे डाला। अब सर मैं तो कहीं जा रखा था, मुझे पता चली बाद में क्या यहाँ पे घर पे लड़ाई हो गई पापा से और मेरे भाई से, तो पता चल रहा है क्या पापा को मारा उन्होंने खूब, मेरे पापा को खूब मारा उसने लड़के ने, बड़े वाले मेरे भाई ने। अब पापा को बेहोश कर दिया मारपीट के, पापा को कोई होश नहीं था, नहीं तो बताते क्या दादी ऐसे मरी है, गला घोटा है या कुछ क्या करा उसने लड़के ने, कोई पता नहीं चला। पापा को बेहोश कर दिया मारपीट के। अब यहाँ पे निशान था एक गर्दन पे और बाकी एक आँख पे निशान था दादी के, फोटो का फोटो देखा मेरी दादी के। बाकी मुझे पता नहीं क्या हुआ उसके बाद में दादी के साथ में, उस लड़के ने क्या किया। जी वो सर वो सफेदी का काम करता था, पैंट वैंट का। मैं भी कैसा व्यवहार था उसका, व्यवहार घर के बारे में ठीक था ही कि वो दादी से ज्यादा लड़ता था, पता नहीं क्यों लड़ता था, क्या बात थी ये मुझे भी नहीं पता। दादी से लड़ाई दंगे होते रहते थे। बुजुर्ग का गला दबाए जाने का अंदेशा है, इसके अलावा उसके चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि उसने जुर्म अंजाम देना भी कबूल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।